तो यार आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार कहते हैं कि और सारी बुलेट मॉडिफिकेशन दिखाओ। मेरे सामने मेरे पीछे जो बाइक खड़ी है ये है बुलेट की इलेक्ट्रा 350 और इसको जो मॉडिफिकेशन मिली है बॉस वो अगर आप देखोगे आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। मेरे लिए तो मेरी ड्रीम बाइक है। फिलहाल ये मेरी बाइक नहीं है, मेरे एक फ्रेंड की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसजे व्लॉग। तो यार ये बाइक ओन करती है प्रभात भाई की। प्रभात भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू, क्योंकि बाइक की डिलीवरी आज ही हुई है। और सबसे पहले ये बताओ सर कैसा लग रहा है, मतलब देख के कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है? बहुत खुश हूँ इस बाइक से, जो मैंने सोचा था, जैसी ड्रीम की थी मैंने बाइक बिल्कुल वैसी मिली है मुझे मॉडिफाई होने के बाद। अब मैं एक करके मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ इनकी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो कलर है इस बाइक की, यार मुझे बहुत, मतलब आई कैचिंग है, मुझे बहुत प्यारी लगी। ये आप देख लो, वरदांची का लोगो है ना, ये वरदांची की लोगो लगी हुई है। यहाँ पे कार्बोरेटर कवर लगा हुआ है, टूल किट भी वरदांची का ही लगा हुआ है। सीट्स एक बार ये आप देख लो। लेकिन उससे पहले जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगी है वो आप देखो, इस बाइक के टायर का अलॉय व्हील जो लगी वो इतनी यूनिक है बॉस, मतलब इतनी आई कैचिंग है। मैंने अपने लाइफ में सबसे पहली बार ऐसी अलॉय देखी है। टायर भी इसमें रालको का लगा हुआ है, 90x90 का। पीछे की मैं अगर बात करूं तो पीछे भी टायर रालको ही लगा हुआ है, 120x80 का। इसका मतलब भाई साहब फुल ऑन ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं इसके इंडिकेटर्स का, तो भाई साहब इंडिकेटर भी वरदांची के ही लगे हैं और क्या लुक देते हैं जब ये लाइट ऑन होती है। एक बार ये आप टेल लाइट देखो, क्या क्लासी टेल लाइट है। यहाँ पे लगेगा भाई का नंबर प्लेट। एग्जॉस्ट जैसे मैं देख रहा हूँ ये भी वरदांची के। और यार इस बाइक में यूनिकनेस की कोई कमी ही नहीं है, मतलब एक बार ये आप इसके हैंडल बार को देखो, इतना बड़ा हैंडल बार है, इतनी क्लासी मिरर लगी हुई है। तो यार मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे, मैं देख के आश्चर्यचकित ना हूँ, मुझे सब कुछ देख के सरप्राइज फील हो रहा है। तो यार ये देख लो इसका हैंडल बार कितना क्लासी लग रहा है। तो भैया पहले तो ये बताओ बैठ के कैसा लग रहा है? बैठ के बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो रहा है, जैसे हम क्रूज बाइक पे बैठते हैं वैसी कंफर्टेबल आ रही है बिल्कुल। तो बहुत कोई अच्छा दिक्कत, मतलब ऐसे लंबे एकदम कंफर्टेबल पोजीशन है, ना कोई स्ट्रेस आ रहा है, ना हाथों में स्ट्रेस है, ना कोई पैरों में स्ट्रेस है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। ना मैं स्ट्रेट और वो एडजस्ट होने की जरूरत नहीं है, जैसे आजकल नॉर्मल बाइक में एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप, तो वो एडजस्ट नहीं करनी पड़ती। पूरी सेटिस्फाइड हो इस बाइक? पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। तो यार ये जो पूरा मैजिक हुआ है ऑब्वियसली ये हुआ है राइड ऑफ आई में। तो मयूर सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका वंस अगेन। और ये जो आपने मैजिक किया है सर, इसके बारे में आप कुछ बताओ, क्योंकि मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन तो दे दिया है, अब आप बताओ कोई बंदा इसे मतलब लेना चाहे इस तरह से तो क्या करना होगा उसके लिए? देखो ये जो कंप्लीट एंड टू एंड मॉडिफिकेशन है आप जो देख पा रहे हैं, इसमें हेडलाइट डोम से लेकर बैक रेस्ट तक, अलॉय व्हील से लेकर साइड कवर तक, आपने कभी शायद किसी भी बाइक में इस तरह का कोई आइटम जो है नहीं देखा होगा, जिस तरह का मॉडिफिकेशन है। और हमारे पास काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में मॉडिफिकेशन जो है स्टार्ट हो जाती है हमारी। हमारी मॉडिफिकेशन 25,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई भी बंदा अपनी बाइक को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, कम्प्लीटली मॉडिफाई करना चाहता है, या हमसे मॉडिफाइड बाइक परचेज करना चाहता है, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यार देख लो, अगर तुम्हें मॉडिफाई कराना है या फिर मॉडिफाइड बाइक्स कंप्लीट मॉडिफिकेशन के साथ चाहिए तो सर को कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर तिलक नगर में राइड ऑफ आई सर्च कर लो गूगल पर। और चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वंस अगेन कॉन्ग्रेट्स भाई, थैंक यू। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लेना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। तो यार वीडियो में बाय बोलने के बाद भी आप गए नहीं, इसका मतलब आपको ये बात बतानी होगी। अब बात ये है कि ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, जनवरी की, और आज कुछ वीडियो और आने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो अगर आपको पता होगा कि बोया का जो माइक आता है वो सेल से चलता है, उसकी सेल डैमेज हो गई थी, तो सारी फुटेजेस ख़राब हो गई, तो अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो नहीं आ पाई। वीडियो में क्या था, कुछ नहीं, अच्छा ही था, बट क्या करे, चो हो गया हो गया। तो ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज की वीडियो में जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि कल जब आप ये वीडियो देख रहे हो मैं राइड के लिए निकल गया हूँ। राइड है हमारी नैनीताल की, कल का जो डेट है वो नैनीताल तक का है, और उसके बाद फिर उससे आगे हम जाने वाले हैं मुनस्यारी, अगर टाइम मिला तो पिथौरागढ़ भी। मेरा सारा सामान अभी फ़िलहाल वहाँ पर है, वीडियो अभी एडिट करनी है, जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रेंडर करनी है, और उसके बाद अपलोड करनी है, और उसके बाद फिर आई होप कि मैं डेली वीडियोस कर पाऊँ वहाँ जाने के बाद भी। आई होप, मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट स्टिल आई ट्राई टू बी रेगुलर एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। तो और यार यहाँ पे पता है राइड से पहले पता नहीं क्या हो गया, तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर से बाय, सब कुछ वही, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप तो यार अपने हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि स्टोरीज आपको मिलते रहे और आप
सारे वीडियो सारे राइड के बारे में अपडेट रहो। नैनीताल से हो या फिर आसपास रास्ते में से हो तो मिलना ज़रूर। इसके लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।